In above question, if the centripetal force F is kept constant, centripetal force F is kept constant, but the angular velocity is doubled. एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा को डबल कर दिया गया, तो अब रेडियस के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर हम एफ को सेम रखते हैं तो इसका मतलब होगा हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी इक्वल टू एम ओमेगा डैश स्क्वायर आर डैश। एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आपने ओमेगा को कर दिया डबल, स्क्वायर किया तो ये हो गया फोर टाइम्स आर डैश और इधर आर आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आर डैश की वैल्यू हो गई आर बाय फोर, यानी कि रेडियस विल बिकम वन फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू।